हाउ इज द सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, हाउ इज द हॉस्टल देयर, व्हाट डू द स्टूडेंट्स गेट देयर एंड मेस फूड कैसा है. क्वेश्चन इज व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर. तो अराउंड 10K लगता है एकेडमिक फीस. हॉस्टल फी तो 12 रुपीज पर मंथ है. दैट इज क्वेश्चन व्हाट इज द बॉन्ड डिटेल. तो जब मैं अपने नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, तो लकीली तभी यकीन बैच ऑफ फिजिक्स वाला लॉन्च हो गया था. एंड आई वॉज थिंकिंग कि अगर मेरे पास कोई ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑप्शन रहता तो भी मैं फिजिक्स वाला का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करती. पैसों की प्रॉब्लम ब्रिलियंट बच्चों को अपॉर्चुनिटी से दूर नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिजिक्स वाला ने इस बात का खास ध्यान रखा है. ऑनलाइन ही नहीं बल्कि इस बार तो ऑफलाइन विद्यापीठ सेंटर नीट और जेई प्रिपरेशन के लिए भी स्टार्ट हो चुकी है. एंड आपके पास आखिरी मौका है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो. तो आइए जानते हैं कि पीडब्ल्यू के विद्यापीठ में आपको क्या क्या मिलेगा. क्लास 11th, 12th एंड जेई नीट ड्रॉपर्स के लिए स्पेशल बैच में आपको मिलेगी हाईटेक इनेबल्ड क्लासेस, जहां इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज की क्लासेस मिलेंगी. सेल्फ स्टडी जोन के लिए आपको मॉडर्न लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगे. आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए होते हैं स्पेशल डाउट सॉल्विंग सेशंस, जहां डेडिकेटेड फैकल्टीज 1-on-1 आपके साथ सारे डाउट्स क्लियर करते हैं. यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाई एक्सपर्ट फैकल्टीज, और इसके साथ मिलेगी आपको DPP, टेस्ट सीरीज एंड क्लास नोट्स भी. विद्यापीठ सेंटर्स में बने हैं आउटडोर एंड गेम्स के लिए भी कुछ जोन्स, जहां पर आप क्लासेस के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए भी जा सकते हो. लास्ट ईयर के मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स के ट्रस्ट के बेस पर इस साल भी लाखों बच्चे ऑलरेडी PW विद्यापीठ में एडमिशन ले के अप्लाई कर चुके हैं. जो बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया उनके लिए भी ये एक आखिरी मौका है. अभी एनरोल करें और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अपने पूरे साल की प्रिपरेशन स्टार्ट करें. भारी डिस्काउंट्स के साथ आपको अप टू 35,000 ऑफ में ही मिल रहा है सभी विद्यापीठ सेंटर्स में एंड 60,000 रुपीज़ में ड्रॉपर बैचेस. नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अभी एनरोल करें. तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड क्लिक दैट. Hello everyone, so I'm Vipasa Bose, a second professional MBBS student from Bankura Shammilani Medical College and Hospital. We are going to have a detailed discussion about my life at my UG college, that is. So, mere paas series of questions hai and I will be answering them one by one. How is the senior-junior relationship? Any dress code to be followed? Yeah, there are rules, there are dress codes to be followed. Not just in first year, maybe from second year onwards also there are a few rules which needs to be followed by every medical student. Or you know, ek junior senior mein jo hamesha ek reh jata hai, ek barrier type ka hai, wo hamesha reh hi jata hai. To aapko har type ke senior mil jayenge, like kuch kuch bahut acche mil jayenge and kuch kuch utne acche nahi milenge aapko. To maine abhi tak aisa experience kiya hai ki agar aapko koi dikh raha hai jo aapko zarurat se zyada acha aapko dikhane ki koshish kar raha ho, to unse dur raho. I would say as a medical student I have experience ki tum पहले दौर के किसी के पास मत चले जाओ बिना जाने समझे कि वो क्या चाहता है आपसे. हो सकता है कि आपसे उसको कुछ और ही चाहिए हो एंड उसके बदले ही आपको वो हेल्प कर रहा हो. तो बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग एनी काइंड ऑफ सीनियर और एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो. एंड ये रिस्पेक्ट सिर्फ सीनियर जूनियर के ही बीच में नहीं रहती है, ये तुम्हारे बैचमेट्स एनी फ्रेंडशिप यू डू तो उसमें भी ये रिस्पेक्ट वाला जो फैक्टर ये आ ही जाता है. एंड हाँ, ड्रेस कोड तुम्हें फॉलो करना होगा फर्स्ट ईयर में. ऐसा एक सेट ऑफ रूल्स भी आता है जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में जब तुम एंट्री करोगे तभी तुम्हें बताया जाएगा. एंड जो सीनियर जूनियर रिलेशनशिप वाला जो चीज़ है उसमें अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसे भी सीनियर मिलेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल नेचर वाले होंगे, और कुछ कुछ सीनियर ऐसे भी मिलेंगे जो उतना नहीं निकलते हो. इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरे हैं. सीनियर जूनियर रिलेशनशिप ना, आई गेस तुम पूरे MBBS भी कर लोगे तो तुम्हें पूरा एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा. लाइक हमने पहली बार सीनियर से अच्छे से इंटरेक्शन तो फर्स्ट में ही किया था, उसके बाद भी छोटे मोटे ऐसे इंटरेक्शन होते हैं बट उसमें भी उनका फुल नेचर हम लोगों ने कभी भी डिस्कवर नहीं किया था. तो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द MBBS जर्नी तुम्हें अच्छे अच्छे सीनियर भी मिलेंगे और बुरे बुरे सीनियर्स भी मिलेंगे. तो किसी एक टाइप के सीनियर को देख के कभी ऐसा जज मत कर लेना कि हाँ सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इज ओनली अबाउट दिस और दैट. तो बहुत टाइप के सीनियर मिलेंगे ऑल थ्रू आउट योर MBBS जर्नी. तो तुम्हें बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है, हमने भी अभी तक पूरा डिस्कवर किया ही नहीं है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द हॉस्टल देयर, what do the students get there and mess food कैसा है. तो सबसे पहले हॉस्टल कैसा है. तो हॉस्टल लेडीज हॉस्टल है एंड बॉयज हॉस्टल है. लेडीज हॉस्टल 2 है एंड बॉयज हॉस्टल 3 है. तो एक न्यू लेडीज हॉस्टल, एक ओल्ड लेडीज हॉस्टल है. और यहाँ पे 3 लड़कियाँ एक रूम पे रहती है. और ये हो सकता है कि आपको सीनियर के भी साथ रहना पड़े या फिर जूनियर के भी साथ रहना पड़े, तो ऐसा कोई फिक्स रूल भी नहीं है. एंड यहाँ पे आपको बेड मिलता है,
टेबल चेयर मिल जाएगा और बहुत लकी होगा जिसको यहाँ पे अलमीरा मिलेगा और बुक शेल्फ मिलेगा। तो मे भी आप जब आओ तो आपको और सप्लाई होने के बाद आपको वो सब भी मिलना शुरू हो जाए। तो मेस फूड इज नॉट डेड बैड, आई वोंट बी लाइंग हियर। मेस फूड मुझे उतना गंदा नहीं लगा, जैसे कि लोग बोलते हैं मेस का खाना बहुत गंदा होता है, हॉस्टल का खाना बहुत गंदा होता है। टू बी ऑनेस्ट, हॉस्टल का खाना बाहर के खाने के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो तो है, बट इतना बुरा भी नहीं है कि आप सर्वाइव ना कर पाओ। इनफैक्ट मैंने कभी कभी बाहर पे भी खाना खाया था, तो मुझे हॉस्टल का खाना उनसे कहीं गुना ज़्यादा बेटर लगा था। मैं सच बोल रही हूँ। मेन्यू में रोज़ रोज़ आपको अलग अलग आइटम्स मिलेंगे, आप चाहो तो मेस का खाना आप बदला के आप कुछ और भी खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये मेरा कॉलेज है इसलिए मैं इसकी बढ़ाई चढ़ाई करके बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग एवरीथिंग जो कि सच है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर तो उसमें बहुत डिटेली कुछ होगा जो कि अभी मुझे याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि ईयरली अराउंड 10K लगता है एकेडमिक फीस, और उसके अलावा एडमिशन करते वक्त हमें लगा था 6,583 समथिंग हमें लगा था, और उसके अलावा एडमिशन करते वक्त 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा लग गया था, और हॉस्टल फी तो 12 रुपीज़ पर मंथ है, दैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, लाइक रियली रियली अफोर्डेबल। और इसके अलावा हॉस्टल में अलग से आपको हॉस्टल मेंटेनेंस फ़ी भी देनी पड़ सकती है, लाइक 50 रुपीज़ पर मंथ, तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट लो। तो कुल मिला के अगर आपका रहना धोना और आपके पर्सनल फाइनेंस को अलग कर दे तो आपका कुल मिला के एक साल में एकेडमिकली 50,000 जैसा आपको खर्च करना होगा, उससे भी कम में आपका हो जाएगा। और अगर आप अपना खुद का खर्चा लो, रहने वहने का, हॉस्टल के अलावा आपको खर्चा करना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो देट इज़ मोटा मोटी जो कि मैंने समझा अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बॉन्ड डिटेल। तो बॉन्ड एक होता है हमारे यूजी में, वो होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। तो हमें ये बताया गया है कि इफ़ यू डिसकंटिन्यू इन बिटवीन योर MBBS कोर्स, अगर मेरे को MBBS के बीच में कहीं छोड़ना पड़ जाता है ये कोर्स, तो मुझे 1,00,000 रुपये का फीस फाइन के तौर पे देना होगा। एंड वो इसलिए है क्योंकि हमें जो अपना सर्टिफिकेट वगैरह हमने दे रखा है ऑलरेडी, वो लोग अपने पास रख लेंगे और वो हमें वापस नहीं करेंगे। एंड अगर वो चीज़ें हमें इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो फिर हमें वो लोग नहीं वापस करने वाले हैं, तो उसके बदले में हमें 1,00,000 रुपये देना होगा ताकि हम अपना वो काम कर सकें। तो ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा हमारे पे इन्वेस्ट किया है, और एक सीट के लिए जो कि हमने इतने मेहनत से कमाया था, वो सीट किसी और को मिल जाता अगर हमने ये लापरवाही नहीं करी होती, तो हमारे बदले में किसी और को तो नहीं दे सकते वो सीट, इसीलिए 1,00,000 रुपये का वो लोग जुर्माना ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रीचेबल इज माई कॉलेज बाई एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं थी नॉर्थ बंगाल से, तो मुझे पहले तो आना पड़ा था बर्दवान, और फिर बर्दवान से मेरे को जाना पड़ा था दुर्गापुर, फिर दुर्गापुर से मेरे को बांकुरा के लिए बस मिल जाता था। तो हाँ, ऐसा डायरेक्ट कोई रूट तो नहीं है जो डायरेक्ट आपको अपने जगह से बांकुरा पहुँचा दे, बट स्टिल अगर आप दुर्गापुर आ जाओगे तो वहाँ से आपको लोकल बस हमेशा हमेशा मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कभी भी बस के लिए वेट करना ही नहीं पड़ेगा। आप बांकुरा से भी कहीं जाना चाहोगे तो आपको दुर्गापुर डायरेक्टली आपको बस से वो आपको पहुँचा देगा, उसके बाद दुर्गापुर से आप कहीं पर भी जाना चाहो आप जा सकते हो। कोलकाता से अगर आप आना चाहो तो कोलकाता से बांकुरा को आपको डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएंगी, बस भी मिल जाएंगी आपको, और बांकुरा से भी कोलकाता के लिए आपको बस एंड ट्रेन दोनों ही मिल जाएंगी। एंड बाकी झारखंड बिहार वालों के लिए ट्रेन भी है, दुर्गापुर तक भी है, कोई कोई बांकुरा तक भी है। तो बांकुरा तक डायरेक्टली अगर ना भी मिले ना आपको, तो दुर्गापुर आ जाना, उसके बाद दुर्गापुर से बांकुरा आना इज़ वेरी वेरी इजी, जस्ट 1.5 आवर्स का ही रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट द फेस्ट एट योर कॉलेज। तो हमारा पहला फेस्ट साइनएप्स 2022 हुआ था, डेट इज़ द एनुअल कल्चरल फेस्ट ऑफ आवर कॉलेज। तो वहाँ पे वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट, लाइक 14 डेज का इवेंट होता है, तो पहले 10 दिनों तक तो प्री साइनेप्टिक इवेंट्स हुए थे, फिर अगला जो 4 दिन है वो एक्चुअल साइनएप्स हुआ था उसमें। तो बैंड परफॉर्मेंसेस हुए थे, बाहर से आर्टिस्ट आए थे, सिंगर आए थे, परफॉर्मेंसेस हुई थी, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो पहले 14 डेज होते हैं उस पर बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, राइटिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन, बहुत बहुत सब कुछ होता है। सो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिला था। एंड सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ था। इनफैक्ट बैच मेट्स के भी साथ इतना इंटरेक्शन पहले कभी हुआ ही नहीं था, तो साइनएप्स वाज वन ऑफ द रीज़न कि हम लोगों ने इतना इंटरेक्ट किया और नए नए चेहरे से वी गॉट टू मीट, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई वुड से। तो जिस किसी ने भी अभी तक अपना कॉलेज का फेस्ट नहीं देखा होगा ना, तो डेट पर्सन हैज नॉट सीन एनीथिंग गुड इन दैट कॉलेज। तो डेट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कम फॉर इन ए कॉलेज।
एंड स्टिल द बेस्ट इज येट टू कम. पहले तो हम लोगों ने वो एज ए पार्टिसिपेंट एज एन ऑडियंस वो चीज़ एक्सपीरियंस किया. अभी हम जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें वो चीज़ खुद से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर डेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट इन योर कॉलेज. लाइक लिटरली वेन आई जस्ट एंटर द कॉलेज आई वॉज लाइक ओ माई गॉड आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस स्टूडियस चिल्ड्रेन. तो यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा यू नो पढ़ाकू होते हैं, वो लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं. उनका क्वेश्चंस भी उनके दिमाग में पहले से प्री फॉर्म रहता है, वो लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे आप पहले तो डीमोटिवेट हो जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होएगा कि हाँ सारे लोग कहीं ना कहीं परेशान है, आप बेकार में खामखा अपने आप को परेशान कर रहे हो ये सोच के कि आप उनसे कम हो. नॉट जस्ट इन स्टडीज़ बट ऑल्सो इन अदर थिंग्स लाइक ड्रॉइंग डांसिंग सिंगिंग. आपको हर तरफ अच्छे अच्छे आपसे बेटर लोग भी मिल जाएंगे. तो आई वुड से टेक दैट एज अ पॉजिटिव थिंग एंड ग्रो विद देम. गो विद द फ्लो नॉट अगेंस्ट द फ्लो. जो तुम कर रहे हो उसको करते जाओ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, नो मैटर हूएवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, हूएवर कम्पीट्स विद यू. जस्ट गो फॉर वॉट योर हार्ट सेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू माई जूनियर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हमारा कॉलेज अलॉट हुआ है तो यू ऑल आर वेलकम टू आवर कॉलेज. तो सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि आओ, वी विल हैव अ वेरी गुड टाइम टुगेदर. प्लीज़ डोंट जज एनी सीनियर बाई द वे एन अदर सीनियर ट्रीट्स यू. प्लीज़ आपको इस चीज़ का भ्रम मैं तोड़ना चाहती हूँ कि हाँ हर कोई एक जैसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. कोई कोई बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे टू बी बेटर. जस्ट डोंट गो फॉर एनी रॉन्ग कंपनी लाइक इवन इन फ्रेंडशिप टू. पहले तो आओ, आप एक्सप्लोर करो, जगह को घूमो. प्लीज़ डोंट जज एनी थिंग लाइक इवन दिस प्लेस टू, कि ये जगह तो ऐसा ही है, यहाँ पे तो ऐसे ही लोग मिलेंगे, यहाँ पे तो ऐसे ही पढ़ाई होती है. प्लीज़ डोंट जज एनी थिंग. पहले आओ, एक्सप्लोर करो. मैं देयर आर मैनी गुड थिंग्स टू एक्सप्लोर एंड द बेस्ट इज येट टू कम. सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज.